नमस्कार जयतु भारत जीएसटी एंड अदर लॉज डिस्कशन एंड एनालिसिस के आज के अंक में आपका स्वागत है जो टैक्स पेयर क्वार्टरली रिटर्न मंथली पेमेंट स्कीम के तहत हैं उनके लिए जीएसटी नेटवर्क या जिसे हम कॉमन पोर्टल कहते हैं उसने कुछ इंपॉर्टेंट चेंजेस की घोषणा की है जीएसटी नेटवर्क ने अभी जो चेंजेस किए हैं क्यू आर एम पी स्कीम के टैक्स पेयर्स के लिए उसकी पश्चात भूमि जानने के लिए जीएसटी काउंसिल ने बयालीसवीं मीटिंग में जो पाँच अक्टूबर दो हजार बीस को हुई थी उसमें जो निर्णय लिए थे वह जानना आवश्यक है इसमें जी एस टी काउंसिल ने यह निर्णय लिया था कि जीएसटीआर आर वन थ्री बी स्कीम को कंटिन्यू रखना है और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ाने के लिए ऑटो पॉपुलेशन ऑफ रिटर्न को भी बढ़ावा देना है उसमें यहां पर यह जो बताया था इनेबल द सिस्टम टू ऑटो पॉपुलेट रिटर्न जीएसटीआर एस थ्री बी थ्रू द डेटा फाइल्ड बाय द टैक्स पेयर एंड ऑल हिज सप्लायर्स कि टैक्स पेयर ने अपने जो रिटर्न फाइल किए हैं उससे उसकी लायबिलिटी और उसके सप्लायर्स ने जो रिटर्न फाइल किए हैं उससे उसका इनपुट टैक्स क्रेडिट जानकारी उसकी मिल जाए और जीएसटीआर आर थ्री रिटर्न ऑटो पॉपुलेटेड हो जाए इसके लिए जो लायबिलिटी ऑटो पॉपुलेशन होनी थी जीएसटीआर आर थ्री बी में उसके लिए डेडलाइन जीएसटी काउंसिल ने दे रखी थी 1 जनवरी 2021 और जहां पर ऑटो पॉपुलेशन ऑफ आईटीसी और लायबिलिटी दोनों ही थ्री बी के अंदर ऑटो पॉपुलेट होनी थी उसके लिए डेडलाइन दे रखी थी एक अप्रैल दो हालांकि ये ऑटो पॉपुलेशन की जो डेडलाइन थी वह क्रॉस हो चुकी है लेकिन अब जीएसटी पोर्टल ने इसके बारे में जानकारी दी है और वह भी अभी क्वार्टरली रिटर्न मंथली पेमेंट स्कीम के टैक्स पेयर्स के लिए क्वार्टरली रिटर्न मंथली पेमेंट स्कीम के अंतर्गत आने वाले टैक्स पेयर्स अपने द्वारा जारी किए गए इन्वॉइसिस के लिए क्वार्टर के पहले महीने और दूसरे महीने के इन्वॉइसिस को इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी के अंतर्गत पोर्टल पर अपलोड कर सकते हैं जबकि क्वार्टर का तीसरा महीना और जो इनवॉइसिस अपलोड नहीं किए गए हैं वो सभी इनवॉइस जीएसटीआर वन रिटर्न में दर्शाने होते हैं लेकिन जो इनवॉइसिस इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी में पहले अपलोड कर दिए हैं उन इनवॉइस को जीएसटीआर वन में नहीं दर्शाना होता है अब यह जो इनवॉइसिस हैं जो इन्वॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी के तहत अपलोड किए हैं या जी एस वन में दर्शाए हैं उनके आधार पर जो जी एस थ्री बी क्वार्टरली रिटर्न फाइल करना है उसमें टैक्स पेयर की लायबिलिटी ऑटो पॉपुलेट हो जाएगी अपने आप उसका कैलकुलेशन होकर आ जाएगा हालांकि यह जो फील्ड है लायबिलिटी का वह एडिटेबल रहेगा और यदि टैक्स पेयर को लगता है कि यह लायबिलिटी ऑटो कैलकुलेट होकर जो आई है ऑटो पॉपुलेट होकर वह सही नहीं है तो वह उस लायबिलिटी को कम या ज्यादा भी कर सकता है लेकिन इस केस में जीएसटी पोर्टल चेंज हुई वैल्यू को लाल कलर में हाईलाइट करेगा और एक वार्निंग मैसेज देगा कि आपका जो ऑटो पॉपुलेटेड अमाउंट थी उससे यह अमाउंट अलग है हालांकि टैक्स पेयर को रिटर्न फाइल करने देगा कॉमन पोर्टल और रिटर्न वहां पर रोका नहीं जाएगा लेकिन टैक्स पेयर को जहां पर भी अमाउंट में वेरिएशन आता है वहां एक बार को रीचेक कर लेना आवश्यक होगा कि जब इनवॉइस वर्निंग फैसिलिटी में और जीएसटीआर 1 वन में जो इनवॉइसिस बताए हुए हैं उनके अलावा यह जो जीएसटी की लायबिलिटी है वह कम या ज्यादा क्यों हो रही है क्योंकि जीएसटी लायबिलिटी इन्हीं के आधार पर हो सकती है जीएसटी रूल्स के रूल 59, सब रूल थ्री के अंदर स्पष्ट लिखा हुआ है कि जिन आउटवर्ड सप्लाइज की डिटेल इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी के तहत दे दी गई है उनकी डिटेल्स जी एस वन के अंतर्गत नहीं देनी है इसलिए आपको अपना सिस्टम डेवलप करना होगा जिससे ना तो कोई इनवॉइस आई और फॉर्म जी एस वन में दर्शाने से रह जाए और ना ही कोई इनवॉइस इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी में भी अपलोड हो जाए और फॉर्म जीएसटी आर वन में भी उसको बता दिया जाए यानी डुप्लीकेशन हो जाए तो ना तो कोई इनवॉइस छूटना चाहिए और ना ही किसी इनवॉइस की डुप्लीकेट एंट्री हो जानी चाहिए यह अपना सिस्टम आप बना के रखिए तो यह ऑटो पॉपुलेशन आपके लिए बहुत ही उपयोगी होगा यदि किसी क्यू स्कीम के अंतर्गत आने वाले टैक्स पेयर को किसी क्वार्टर्स का जीएसटीआर आर वन रिटर्न नील फाइल करना है तो वह अब मोबाइल फोन के जरिए एसएमएस के थ्रू भी नील रिटर्न फाइल किया जा सकता है जीएसटीआर वन नील रिटर्न दो परिस्थितियों में हो सकता है या तो पूरे क्वार्टर में कोई भी सप्लाई ना हो या शुरुआत के दो महीनों में जो भी सप्लाई किया हो उनके इन्वाइसिस की डिटेल्स इन्वाइस फर्निशिंग फैसिलिटी के जरिए अपलोड कर दी गई हो और तीसरे महीने में कोई भी सप्लाई ना हो इस प्रकार का नील रिटर्न एसएमएस के जरिए फाइल करने के लिए मोबाइल नंबर 14409 पर मैसेज भेजना होगा यह मैसेज एकदम स्पेसिफाइड फॉर्मेट में ही भेजना होगा तभी वह सिस्टम उसको समझ पाएगा कि यह जी एस टी आर वन नील रिटर्न का मैसेज है इस मैसेज का फॉर्मेट जो दिया हुआ है सबसे पहले नील लिखना है एन आई एल नील उसके बाद में स्पेस छोड़ना है रिटर्न टाइप आर वन लिखना है उसके बाद में फिर से स्पेस छोड़ना है उसके बाद में टैक्स पेयर का जी एस टी आई एन नंबर लिखना है पंद्रह डिजिट का उसके बाद स्पेस छोड़ना है और उसके बाद में जिस क्वार्टर का यह जी एस टी आर वन नील रिटर्न फाइल कर रहे हैं उस क्वार्टर के बारे में महीने के दो अंक और साल के चार अंक दर्शाने हैं जिस क्वार्टर का लास्ट महीना है वह दो अंक में दर्शाना है और साल चार अंक में दर्शाना है जैसे अप्रैल से जून का क्वार्टर है तो लास्ट मंथ जून है इसलिए 06 2021 062021 टू दर्शाना है यदि जुलाई से सितंबर है तो 09 2021 दर्शाना है यदि अक्टूबर से दिसंबर है तो उसमें वन टू टू जीरो टू वन इस प्रकार से दर्शाना है लेकिन यदि शुरुआत के दो महीनों में कोई सप्लाई है और उसमें इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी के तहत इनवॉइस अपलोड करने का ट्राई किया है लेकिन वह प्रॉपरली फाइल नहीं किया हुआ है तब यह इस प्रकार से नील जीएसटीआर 1 वन रिटर्न एसएमएस के थ्रू फाइल नहीं किया जा सकेगा यदि इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी के अंतर्गत केवल सबमिट किया है लेकिन फाइल नहीं किया है या इन्वॉइसिस सेव किए हुए हैं पहले और दूसरे महीने के लिए किसी भी क्वार्टर के लेकिन ना ही वे सबमिट किए हैं और ना ही वे फाइल किए गए हैं तो फिर जीएसटीआर 1 वन क्वार्टरली रिटर्न एसएमएस के जरिए नील फाइल नहीं किया जा सकता यह वैसे अच्छी फैसिलिटी है एक चेक के तरीके से उपयोग में लिया जा सकता है कि कहीं गलती से इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटीज के अंदर इनवाइसिस अपलोड करना रह गया हो ट्राई किया हो केवल सेव करके रखा हो तो फिर उसे जीएसटीआर 1 वन में दर्शाना चाहिए ना कि जीएसटीआर 1 वन नील फाइल करना चाहिए इसलिए इस प्रकार से यह एक टैक्स पेयर्स के लिए सुविधा उपलब्ध करवाई गई है निल जीएसटीआर वन रिटर्न फाइल करने के लिए और यह जो तीसरी जानकारी है वह क्वार्टरली रिटर्न मंथली पेमेंट स्कीम के अंतर्गत आने वाले टैक्स पेयर का रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो जाता है तो जीएसटीआर वन रिटर्न कब तक फाइल करना है उससे संबंधित है यदि किसी क्वार्टर के पहले ही दिन रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो जाता है तो उस क्वार्टर का जीएसटीआर 1 वन रिटर्न फाइल करने की आवश्यकता नहीं है लेकिन उसके बाद किसी भी दिन रजिस्ट्रेशन कैंसल होता है तो उस पूरे क्वार्टर का जीएसटीआर 1 वन रजिस्ट्रेशन फाइल करना होगा एग्जाम्पल के रूप में यदि फर्स्ट अप्रैल को रजिस्ट्रेशन कैंसिल होता है तो अप्रैल से जून के क्वार्टर का जीएसटीआर 1 वन रिटर्न फाइल करने की आवश्यकता नहीं है जो जनवरी से मार्च का जीएसटीआर 1 वन रिटर्न फाइल किया है वही पर्याप्त माना जाएगा लेकिन यदि 20 मई को रजिस्ट्रेशन कैंसिल हुआ है तो पूरे अप्रैल से जून तक के क्वार्टर का जीएसटीआर 1 वन रिटर्न फाइल करना होगा और क्योंकि यह मई महीने के अंदर रजिस्ट्रेशन कैंसिल हुआ है तो यह उसके बाद के महीने में पहली तारीख से कभी भी फाइल किया जा सकता है तो यह एक जून के बाद में कभी भी पूरे क्वार्टर का रिटर्न वन फाइल किया जा सकता है आज के अंक में बस इतना ही धन्यवाद प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब आपको और किसी जीएसटी रिलेटेड विषय पर जानकारी चाहिए विशेष तो कमेंट्स में लिख सकते हैं जय हिंद